दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। दोस्तों वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया की ओडीआई सीरीज चल रही है और काफी रोमांचक सीरीज चल रही है, जहां पर यहां से अब दोनों ही टीम सीरीज को जीत सकती है, सीरीज का टाइटल उठा सकती है। वो इसलिए क्योंकि पहला मैच टीम इंडिया ने जीता, दूसरा मैच टाइट रहा और तीसरा मैच बड़ी ही आसानी से वेस्ट इंडीज की टीम ने जीत लिया। यानी कहीं ना कहीं मोमेंटम सीरीज का टीम वेस्ट इंडीज के पास है और अगर ऐसा ही परफॉर्म करते रहे तो वेस्टइंडीज की टीम भी इस सीरीज को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों जो इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है, सबसे अच्छी खबर आ रही है, अगर आप एक क्रिकेट फैन है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर यह है कि भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच अब जो T20 सीरीज खेली जानी है, जो कि ODI सीरीज के खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसे में क्रिस गेल, सुनील नारायण, मार्लन सैमुअल्स, एवन लुइस और कायरन पोलार्ड, इन सभी की वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि क्रिस गेल ने साफ कहा है कि अब वो टीम वेस्टइंडीज की ओर से खेल सकते हैं, क्योंकि इस समय वो बाकी सभी लीग से फ्री हैं और क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार की ODI सीरीज रोमांचक चल रही है, ऐसे में किसी भी वेस्टइंडीज के प्लेयर को टीम में खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या क्रिस गेल, सुनील नारायण, एवन लुइस और कायरन पोलार्ड की वापसी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों एवन लुइस की वापसी बिल्कुल पक्की है, वो मात्र कुछ समय का रेस्ट करना चाहते थे इसलिए ODI सीरीज से बाहर हुए थे। तो दोस्तों अब T20 सीरीज भी काफी रोमांचक हो जाएगी और इस टूर की सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज मानी जाएगी। दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या इन सभी दिग्गजों की वापसी के कारण क्या टीम इंडिया को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS Entertainment को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।